छोटा जा प्रतिनिधिमंडल सोम प्रकाश जी और साढ़े संगठन मंत्री दिनेश जी, साढ़े दोनों ही महामंत्री जीवन गुप्ता जी और सुभाष जी थे नाल खड़े ने। महामहिम राज्यपाल जी असी मिल के आए हैं और पंजाब की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के उत्ते उन्होंने जानकारी दी है। दो बिंदुओं के उत्ते अज असी उन्होंने मिले हाँ। पहला बिंदु कि धर्मसोत जी दी नूं जिस प्रकार क्लीन चिट दी गई है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे कपले दे अंदर, जिहड़ा कि 63.9 करोड़ का कपला है, उहदे प्रति चिंता प्रकट की है और ये भी दसिया कि ये सरकार की मिली भगत है। अमरिंदर की सरकार ने जल्दबाजी के अंदर भ्रष्टाचार को छुपाण दे लई फटाफट जांच जड़ी करवा के अपने ही महकमे के बंदियां कोलों उन्हूं फटाफट क्लीन चिट जड़ी दिती है। इहदे तो भारतीय जनता पार्टी सैटिस्फाई नहीं है और सानू पहला ही शंका सी और जिस डिपार्टमेंट के अफसर ने इनकुआरी की उहदा बदल दिता उन्हों। बीजेपी ने मांग की है कि दलित बच्चों के स्कॉलरशिप के इस घपले की जिहड़ी जांच है वह CBI द्वारा होनी चाहिए है, ये राज्यपाल जी ने असी कहा। दूसरा, किसान वीरां की आड़ के अंदर कांग्रेस के यूथ विंग ने जिस प्रकार BJP के अमृतसर के ऑफिस के उत्ते और लुधियाना के ऑफिस के उत्ते हमला किया, उसकी इनक्वायरी की मंग की है। हालत यह है कि जिन्हां लोगों ने BJP के ऑफिस के उत्ते हमला किया, साढ़े दफ्तर नूं लाक लगाया, उत्ते पुतला सुट के दफ्तर नूं अग लगाने की कोशिश की, उन्हां लोगों के उत्ते कार्रवाई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के उत्ते 308 का परचा जिहड़ा अमृतसर के अंदर दाखिल किया। ये जिहड़ा सारे इंसीडेंट जिहड़े हो रहे ने, ये पंजाब के अमन और शांति भंग करन वाले ने और मुख्यमंत्री जी के उस बयान के प्रति भी चिंता प्रकट की कि जिदे अंदर उन्होंने कहा कि ISI जिहड़ी आ उह घुस जाएगी अंदोलन के अंदर, पंजाब के हालात बिगड़नगे, जिन्हां दे जुम्मे पंजाब का अमन शांति बरकरार रखना है। अगर वह प्रदेश का मुख्यमंत्री इस प्रकार दीआं गल्लां करदा है तो लगता है कि वह उकसा रहा है। इस चीज़ के उत्ते उन्होंने कहा कि जरूर सरकार को निर्देश देन ताकि पंजाब के अमन और शांति दे नूं किसी भी प्रकार की चोट ना लगे। पंजाब ने अगे ही बहुत संताप जिहड़ा सहया होया। राहुल गांधी का जिहड़ा दौरा होया सर, तुहानूं की लगता है कि किसानों को कोई फायदा होएगा पंजाब दे या फिर सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट से पार्टी को मजबूत करने वास्ते? जित तक सवाल है ना राहुल गांधी जी का, किसान और खेती तो बड़ी दूर ने, केवल एक अपनी हाजरी लवाने लई एक रोड शो करने दे लई वो इत्थे आए सी और वह भी मैनूं लगता कि अद्धा अधूरा कीता है और चले गए ने। नाले राहुल जी नूं की अधिकार है जिस मसले नूं 2014 दे मैनूफेस्टो दे अंदर उन्होंने पाया होए, 2019 दे चुनाव दे अंदर भी उही गल्लां 95% कही होण जिहड़ियां मोदी सरकार ने हिम्मत दिखा के किसानां दे हित च जिहड़ा निर्णय ले ने। और एक सारियां गल्लां मनमोहन सिंह जी भी समय समय से कहते रहे। राहुल गांधी जां तां अपना मैनीफेस्टो पढ़ के नहीं आए जां अपने सरकारां द्वारा किए गए घोषणावां नूं उन्हां दे भाषण नूं नहीं पढ़ के आए, केवल पंजाब दे अंदर आ के एक फेरी पाणी सी उह पा के चले गए बस। मास्टर मोहन लाल जी दा एक बयान आया जी, कहिंदे 2022 च नवजोत सिंह सिद्धू BJP वल्लों चोणां लड़ेगा। मास्टर जी ने कहा मैनू, मैं तुसी BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ BJP ਚੋਣਾਂ ਚੋਣ ਤਾਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ
कांग्रेस की जिम्मेवारी है। 22 साल की पार्टी की तो यह गल है, जब तक ऑर्डिनेंस होया हर एक पत्रकार वार्ता च हर एक टीवी चैनल से उन्होंने कहा बहुत वधिया है। आखिरी टाइम तक सरदार प्रकाश सिंह बादल ने भी कहा है बहुत वधिया है। अभी एक एक अक्षर असी पढ़िया है, ये किसानों के हित में है। ऑल ऑफ सडन पता नहीं की हो गया, उन्होंने चेंज कर लिया, पर उन्होंने हर एक लीडर ने हर एक ने कहा ये किसानों के हित में है। असी बड़ी तरह पढ़े ने, जो किसान लीडर है सरदार प्रकाश सिंह बादल तो एडे बड़े किसान लीडर ने जिन्हों का नाँ है सारे हिंदुस्तान, जो कह सकते ने वे बहुत वधिया है। एक दिन माड़ा नहीं कहते कि ऑर्डिनेंस जो MSP का जिक्र उस कहा गया कि MSP शामिल कर देंगे, लेकिन बाद दे जो लोग सभा दे पेश किया गया तो MSP जिक्र ही उठा दिता गया, शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इस करके उन्होंने अपना समर्थन भी वापस लिया और केंद्रीय हक च बोले उन्होंने ऑर्डिनेंस के हक च भी बोले से बहुत वधिया ऑर्डिनेंस है, बहुत वधिया एक्ट जिहड़ा आ रहा है। उन्होंने ये उल्ट नहीं बोले, ये कंटेंट से कोई उल्ट नहीं है, ये सिर्फ किसानों ना गल करो, किसानों ये करो, किसानों से जिन्हें पकड़ मजबूत है या घट हो रही है उस करके बोल रहे हैं। जी लास्ट इन्हें दस दो कि आखिरकार जो कुछ बदलने की लोड़ पई बदलोगे, क्योंकि किसान लगातार जो नहीं मानता है फिर तो वह कोई फायदा ही नहीं होना। देखो एक्सट्रीम गल नहीं करी दी, जो उन्होंने डिस्कस करा बैठ के, डिस्कशन तो बाद जे वो सानू कन्विंस करेंगे वो मुताबिक चलेंगे, असं उन्होंने कन्विंस करने पहले डिस्कशन होनी है, अल्टीमेटली टेबल से बैठ के गल होनी है। ये बगैर होर जिनी एजुकेशन जिनी मर्जी लंबी कर लो, अल्टीमेटली टेबल से बैठ के गल होनी है और फिर विचार वटांदरे तो बाद जो निकलेगा। 2022 दस्सिया कि ये जांच नूं असीं बिल्कुल नहीं मनते, पंजाब भारतीय जनता पार्टी पंजाब यूनिट भारतीय जनता पार्टी वालों इन रिजैक्ट किया गया, सारिया पार्टियां ने इन रिजैक्ट किया। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਰੇ ਜਾਂ CBI ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਲੀਲਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਪੋਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਾਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਇਹ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ? ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਜੋ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤੈਅ ਸੈਂਟਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ? ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਕੋ ਲੇਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇਤਾ, ਉਨ ਪਰ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਮੇਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ BJP ਨੇਤਾਓਂ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਐਕਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਪਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਯੂ ਟਰਨ ਸਾਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੋਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਯੂ ਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। लक्ष्य को हासिल कर लेने का भरोसा है KMV, सपनों को नई उड़ान देने का भरोसा है KMV, प्रतिस्पर्धा के दौर में सफलता का भरोसा है KMV, पंजाब में नंबर 1 अग्रणी शिक्षण संस्थान है KMV, 135 सालों की स्वर्णिम परंपरा है KMV, भारत में शीर्ष रैंकिंग में शामिल कन्या महाविद्यालय जालंधर।
पहनेंगे तो लोग देखते रह जाएंगे, आपके वेलकम में चार चांद लग जाएंगे, आएंगे तो पसंद करके ही जाएंगे। ट्रेंडिंग आरामदायक और किफायती सूट, शेरवानी और ब्लेजर्स, द ब्लेजर्स मनोहर सिंह एंड सन्स, लोअर बाजार शिमला। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा, माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का माड़, या फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए। बताओ ना, क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, काढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए।